हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से, अपनी बेटी के लिए मैं होममेड सेरेलेक्स बनाने वाली हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने ये रेसिपी की है, वो रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो कैसी है। और मार्केट के सेरेलेक्स देने से बेहतर है कि अगर होममेड बना के हम बच्चों को दें तो वो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया ये 2 टेबल स्पून चावल, थोड़े से अखरोट, थोड़े से तूर दाल, थोड़े से मूंग के दाल, थोड़े से बादाम, थोड़े से चने की दाल और कुछ काजू और थोड़ा सा पिस्ता लिया है मैंने। तो इन सब चीज़ों से ही बनेगा होममेड सेरेलेक्स। तो इसको पहले ये सब क्वांटिटी वाइज लेने के बाद से अब हम इसको करेंगे वॉश। तो वॉश करने के लिए मैंने लिया है एक बर्तन, जिसको इन सब चीज़ों को उसमें हम वॉश करेंगे। आइए वॉश करते हैं। इसको हम हल्के हल्के हाथों से वॉश करेंगे, ऐसे ज़्यादा इसको मलना नहीं है, हल्के हाथों से वॉश करेंगे। और वॉश करने के बाद से इनके पानी को, इसके लिए मैं एक स्ट्रेनर ले लेती हूँ, ये रहा, इसको हम छान कर लेंगे। फिर एक बार फ्रेश पानी से हम इसे करेंगे। ये टैंक का पानी था इसलिए एक बार इससे मैंने वॉश किया। अब हम यहाँ से आरओ का पानी लेंगे, क्योंकि बच्चों को देना है तो बहुत ही अच्छे से बनाएं, इसके लिए बेहतर होता है कि मिक्स के साथ बनाएं और बच्चों के लिए है तो हेल्दी है। तो आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इसको हम छान करके ले रहे हैं। हम थोड़े देर के लिए इसमें ऐसे ही रख देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें छन के आ जाए। और 10 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे। 10 मिनट में जो इसकी पानी है वो पानी छन जाएगी, तो फिर हम इसको सूखने के लिए इस कॉटन कपड़े पर रखेंगे। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा पानी थे, एक्स्ट्रा पानी जो थे वो निकल चुके हैं। तो अब हम इसको एक कॉटन कपड़े पे इसको सूखने के लिए रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ से रखा है, साइड में करेंगे और इसको रखेंगे सूखने के लिए। इसको 1 घंटे के लिए ऐसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल कॉटन कपड़ा है, इस पर हम लोग 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे कि जो इसके पानी तो एक्स्ट्रा जो थे वो तो निकल चुके हैं, लेकिन इसमें और भी जो बचे थोड़े बहुत पानी होंगे वो ये कॉटन कपड़ा जो है ये उसको सोक कर लेगा। तो उसके बाद से हम इसको करेंगे रोस्ट। तो इसका पानी ड्राई हो गया है गाइस, तो अब हम इसको करेंगे रोस्ट। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, मेरा कढ़ाई अभी खाली नहीं था इसकी वजह से मैंने ये पैन लिया है। अगर आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी रोस्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग गर्म करेंगे, गर्म करके मीडियम फ्लेम पे हम इसको करेंगे रोस्ट। 10 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद से हम इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करके इसे हमें मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। तो हम इसको रोस्ट कर रहे हैं, इसको मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको रोस्ट करेंगे 10 मिनट्स के लिए। 10
10 मिनट तक रोस्ट कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और 10 मिनट ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, और इसको लगातार चलाते रहना है वरना इसके जलने का भी डर होता है। तो अगर ये जल जाएगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा, जो शायद बच्चों को पसंद बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे तो जल्दी कुछ खाते नहीं, गिनी चुनी चीज़ें खाते हैं, और अगर इसका ध्यान से नहीं रोस्ट किया गया तो इसके जलने का डर रहेगा। इसलिए बी केयरफुल। बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम इसे करने जा रहे हैं ग्राइंड। तो ग्राइंड करने के लिए हम इसे जार में रख रहे हैं, इसको एकदम बारीक ग्राइंड करना है। तो हम इसको करेंगे ग्राइंड, ये ऊपर ऊपर की तरफ ज़्यादा गर्म ना लगे इसके लिए हम इसे एक कपड़े से कवर कर देंगे ताकि गरम ना आए। तो ये हमारा पाउडर बन करके रेडी हो गया है, अब हम इसे करते हैं एक एयर कंटेनर में, आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ा ही बनाया है, जब ख़त्म होगा तो मैं फिर से फ्रेश बनाऊंगी। तो अभी से हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे और अब बताएंगे हम इसे कैसे इसे बनाकर बच्चों को दिया जाता है। तो आप बने रहिए वीडियो में। इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच इस पाउडर से, जितने क्वांटिटी में मेरा बच्चा खा सकता है उतनी क्वांटिटी में हम लेंगे यहाँ पाउडर। और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे पानी डालेंगे, 1 कप के अकॉर्डिंग से हम पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई लंग्स ना आए। इसको मिलाने के बाद से इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको उबाल देंगे पानी में। जैसे जैसे उबाल आएगा वैसे वैसे आप देखिएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी होने लगेगी और ये पक के तैयार हो जाएगी बच्चों के लिए। इसके बाद से आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। ये देखिए आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये आप बच्चों को देने के लिए रेडी है। तो चलिए इसे हम करते हैं शर्व कर देते हैं अपने बेबी को, और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो आई होप कि आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, तो प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।